अब अपन ये देखते हैं कि फंक्शन को एज अ मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, है ना, काम करवाएंगे कैसे। जैसे एक फंक्शन बनाया अपन ने, उसको कहाँ कहाँ कॉल कर सकते। अभी जैसे यहाँ पे बना दिया फंक्शन, ध्यान से देखना, यहाँ कॉल कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कोई दूसरी फाइल लिया, यहाँ पे क्या एफ को कॉल कर सकते हैं, इसका नाम एच दे दिया, नहीं कॉल हो रहा है ना। अब कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब उस फाइल का नाम जो है वो देखना पड़ेगा, नाम क्या है, नाम क्या है, एस नाम दिया, यहाँ लिखना पड़ेगा एस, यहाँ लिखना पड़ेगा एस डॉट, फाइल का नाम डॉट, समझ में आया, क्लियर है। वो तो यहाँ कॉल हो रखा है ना, ये भी तो चलेगा, मतलब हमने इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया, मतलब तो इस फाइल को जब यहाँ कॉल कर दिया, यहाँ कॉल हो रहा है, अब इसको हटा दो, वहां नहीं चाहिए तो, अभी इसको सेव नहीं करा ना। हाँ अब चलो आ जाओ, ठीक है, लिखो, यही है मॉड्यूल। ये हो गया एक फाइल का फंक्शन दूसरे फाइल के में, है ना, कॉल करना, इसको बोलते हैं कि ये आपका फाइल एज अ मॉड्यूल काम करने लगा, क्या काम करने लगा, एज ए मॉड्यूल, यही है एज अ लाइब्रेरी और मॉड्यूल। अब इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सपोज इस फाइल का नाम बहुत बड़ा है, तो इसको अलियाज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया एस पी, मतलब दूसरा नाम, निक नेम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी डॉट एफ, समझ गया, चलो देखो करके नोट करो, ठीक है, अलियाज भी कर सकते हैं, ये तब करते हैं जब इसका नाम बहुत बड़ा हो ना। अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यदि बहुत सारे फंक्शंस हो यहाँ पे, अब हर एक को ऐसे ना कॉल करें, एक तरीका और है, लिखेंगे फ्रॉम फाइल का नाम इंपोर्ट, फिर जो जो फंक्शन कॉल करना है, तो अब यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कोई यहाँ पे और फंक्शन है ना, तो वो भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया जी, ठीक है, सेव, तो अब यहाँ पे जी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी जी कॉल नहीं होगा, उसको यहाँ पे जी को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये अलग अलग तरीका है, लिखो, ठीक है। अब सपोज बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस हो, और उनमें से बहुत सारे मुझे यहाँ पे कॉल करने, तो एक एक यहाँ लिखना पड़ेगा सबको, उससे अच्छा है कि यहाँ पे लिख दो स्टार, है ना, क्या लिख दो, स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, तो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे, है ना, कॉल कर सकते हो, अलग अलग डिफाइन करने के ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। अब एक स्टेप आगे, जिस फाइल के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, यदि वो फाइल डिफरेंट फोल्डर में हो, कहाँ पे हो, डिफरेंट फोल्डर में हो, है ना, तो ये वाली फाइल जो थी, नाम क्या था इसका, एस, है ना, इसको डिफरेंट फोल्डर में डाल देते हैं, एक यहाँ पे फोल्डर बनाओ, इसका नाम दे दिया एस एस, क्या नाम दे दिया, एस एस, ठीक है,
है ना, और इसके अंदर कर दिया सेव, ठीक है। और वो जो थी फाइल थी ना एस वाली, उसको उड़ा देते हैं। यही है क्या? एस कहाँ गए? एस किधर है? ये ना, इसको मार दिया डिलीट। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। नहीं हुआ, समझ आई बात? तो अब क्या करना पड़ेगा, साथ में फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा, SS डॉट। समझ में आ गया क्या हुआ? चार चार कैसे आ गया? SS फोल्डर के अंदर नाम क्या है इसका? SS के अंदर S है ना? हाँ, इसमें क्या है? अच्छा, इस कैसे आ गया? चार SS है। चलो इसका नाम M दे देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, अब M को कॉल करते हैं यहाँ पे। कहाँ से क्या लफड़ा हो रहा है? गड़बड़ कैसे हुआ? बोलना अरे यार, ये वाली फाइल कॉल हो रही है, ठीक है। अब नहीं होगा। वो क्या फाइल को प्रायोरिटी दे रही थी? आ गया। SS नाम की फाइल पहले से बनी हुई थी तो वो कॉल हो जा रहे थे, ठीक है ना। चलो करो, इस तरह से डिफरेंट फोल्डर का फाइल आ जाएगा। अब अगला रिक्वायरमेंट देखो, ये जिसमें कॉल हो रहा है ना, ये भी डिफरेंट फोल्डर में हो, फिर कैसे करोगे? समझ में आ गया क्या? ये भी डिफरेंट फोल्डर में हो। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी अलग फोल्डर में डाल दो। एक फोल्डर बनाओ, कुछ भी नाम दे दिया, H, ठीक है, HKH ऐसा नाम दे दो, ठीक है। पता नहीं ऐसा भी कोई फोल्डर हो तो लफड़ा हो जाएगा, है ना, इसीलिए नाम दे दिया। अब इसको कर दिया सेव। अब ये जो बाहर है ना H नाम का, उसको उड़ा दो। ये था ना, है? ठीक है, अब इसको रन करके देखो आ रहा है क्या। अब भी आ रहा, डिलीट नहीं हुआ क्या? नहीं क्या नाम था फाइल का? नहीं, इसका नहीं फाइल का नाम डबल एस हो गया। फोल्डर फोल्डर का नाम है ना डबल एस, फाइल का नाम है, फाइल का है फाइल का क्या है? एम एम नाम का फाइल है क्या बाहर यहाँ पे? आ कैसे रहा है फोल्डर? ऐसा करो, ये सारी फाइलें हटा दो। ठीक है।
एक दूसरी फोल्डर बना लो, कुछ भी नाम दे दो, ए ए है ना। फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, बी नाम दे दिया। अब इसको रन करके देखो कैसे आ जा रहा है। मैं तो नहीं चाहिए था। ये यहाँ पे एस एस ठीक है। इसको एक डिफरेंट फोल्डर में रखो पहले उसका। अरे वो है ना, उसकी वो जो फाइल होती है ना डॉट पी वाई वाली, वो बाहर रह गई होगी। इसको अलग फोल्डर में रख देते हैं। रुको, फोल्डर कहाँ है? इसका नाम देते हैं जे, जे के अंदर सेव कर देते हैं। ठीक है, फाइल का नाम दे दिया, हो गया। अब इसको यहाँ पे कॉल करो, किसका? जे वाले का। किसका? जे वाले का। फाइल का नाम क्या था? एस नाम था ना, एस नाम है, ए नाम है, जे एस है ना, फोल्डर जे में एस है। हाँ, अब इसको कॉल करो, रिकॉल हो जा रहे हैं, इसे हो जा रहे डायरेक्ट कॉल, ये होना चाहिए था। नए वाले वर्जन में कर दिया क्या? पता नहीं। एक फोल्डर बना लिया एज है ना, यहाँ पे नाम लाम दे दिया उसका बिजे। अब इसको यहाँ पे करते हैं कॉल, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, एक नया फोल्डर बना लिया जी, और इसके अंदर सेव कर देते हैं, नाम देते हैं बिजी। हाँ, इसका नाम क्या था? एजे, फोल्डर का नाम, और फाइल का नाम क्या था? बिजी बिजे। ठीक है, अब इसको करो रन। नया वाला में कर दिया है ना, ये लेटेस्ट वाला वर्जन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड वाले वर्जन में है ना, यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ता था पहले डायरेक्टरी से बैक आने का। नया वाला में कर दिया कि डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है।